अब हम बात करने वाले हैं ग्रहों के दृष्टि भावों में पड़ने पर क्या फल मिलता है। सबसे पहले हम ग्रहों में लेते हैं सूर्य ग्रह को। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है सभी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में, सभी ग्रहों की दृष्टि हमने आपको बताई है, आज हम बात करेंगे सूर्य के दृष्टि के बारे में। सूर्य ग्रह के पास केवल एक ही दृष्टि होती है और सूर्य ग्रह की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ से फल मिलने के क्या चांसेस होते हैं, वहाँ से क्या फलादेश किया जा सकता है, यह आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सूर्य सप्तम भाव में हो, यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो इनकी दृष्टि कहाँ पर जाएगी, प्रथम भाव पर जाएगी। कैसे जाएगी दोस्तों, सूर्य अगर यहाँ पर बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव में पड़ती है। जब सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव में पड़ती है, सूर्य अपने पूर्ण दृष्टि से जब प्रथम भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी होता है, नेत्र रोगी होता है, सामान्य धनी रहता है, बहुत बड़ा धन नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा धनवान नहीं रहेगा, सामान्य धनी रहेगा। चिकित्सक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति मंत्रज्ञ हो सकता है, वेदांति, ऐसा व्यक्ति पितृभक्त होता है, और राजमान यानी कि सरकार के परिवेश में कहीं ना कहीं उसकी कुछ एक इज्जत होती है, कहीं उसका वहाँ पे एक रिस्पेक्ट होता है। तो जब भी सूर्य सप्तम भाव में बैठ के प्रथम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति अंदर यह गुण देखने को मिल सकते हैं, ऐसा गुण देखने को मिल सकता है। सकते हैं मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब भी कुंडली का आप विश्लेषण करें तो व्यवहारिक और देशकाल पात्र को दोनों को देखना नहीं भूलना चाहिए। तो जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो यह आपके ध्यान के साथ साथ में व्यवहारिक और इसके बाद देशकाल पात्र आपको लगाना पड़ेगा। यदि सूर्य अष्टम में हो, अब द्वितीय भाव को अगर देखना है तो सूर्य को अष्टम में जाना पड़ेगा। सूर्य अष्टम में हो तो यहाँ से उनकी जो दृष्टि आएगी द्वितीय भाव पे आएगी। जब सूर्य यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीय भाव पे सूर्य देखते हैं धन कुटुम्ब सामान्य सुखी पशु व्यवसायी हो सकता है, संचित धन जो उसके पास धन हो उस धन को वह समाप्त कर सकता है, जो उसके पास पहले से धन संचित धन हो ऐसे धन को वह समाप्त कर सकता है। अल्पधनी, ऐसा व्यक्ति अल्पधनी होता है, सूर्य के सातवें दृष्टि अगर द्वितीय भाव पे है तो ऐसा देखकर आप तुरंत आप यह नहीं फलादेश कर दीजिएगा ऐसा व्यक्ति अल्पधनी होगा। यह लक्षण होंगे, बाकी और ग्रहों के स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा हो सकता है। यह थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक उदाहरण के तौर पर बताता जा रहा हूँ कि ऐसी चीजें ऐसे देखने को ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यदि सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर हो तो सूर्य अगर नवम में आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पर आएगी, तृतीय भाव पर आएगी, यहाँ पर आएगी। जब उनकी तृतीय भाव पर आएगी तो ऐसा व्यक्ति कुलीन राज्यमान सरकार में उसकी मान्य होगी, राजा अब तो वर्तमान समय में तो राजा है नहीं, वर्तमान समय में राजा कौन है, सरकार है, तो वह राज्यमान हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के सुख से वंचित होता है। जब भी सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति ज्येष्ठ भ्राता के सुख से वंचित होता है। अब आपके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि आप जन्म कुंडली को देखते ही तुरंत आप यह ना बोल दीजिए कि आप ज्येष्ठ भाई से वंचित, ऐसा नहीं, और कुंडली को और ग्रहों की दृष्टि को देखा जाएगा, उस भाव के तीसरे भाव के स्वामी कौन है, कौन बैठे हुए हैं, ये सब देखने के बाद आप ऐसा वर्णन करेंगे, ऐसा फलादेश करेंगे तो सही होगा। तो बस आपको एक मैं यहाँ पे तर्क दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली आप विश्लेषण करना तो पहले और ग्रहों की स्थितियों को देखकर ही ऐसा फलादेश करना। यह जानकारी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि ज्येष्ठ भ्राता के सुख से वंचित ऐसा व्यक्ति उद्यमी होगा, शासक हो सकता है, नेता है, और ऐसा व्यक्ति पराक्रमी बहुत रहेगा, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी बहुत रहेगा। किसी भी काम में उसको दिखा दो तो पराक्रम दिखाने के लिए वह उतावला हमेशा रहेगा, जहाँ पे नहीं जरूरत होगी वहाँ पे अपना पराक्रम दिखाने के लिए सामने खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। लेकिन बार बार मैं एक ही बात आपको कहूँगा, यह सब लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, लक्षण वह सटीक कैसे होंगे, लक्षण गुण कैसे कन्वर्ट होंगे, वह और ग्रहों के देखने के बाद ही आप बता सकते हैं। यदि सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि चौथे भाव को देखते हैं, यदि सूर्य पूर्ण दृष्टि चौथे भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति 22-23 वर्ष तक सुखहीन होता है, 22-23 वर्ष तक सुखहीन होता है। माता सामान्य मात्र सुखी होता है, माता से सामान्य सुखी होता है, लेकिन 22 वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है, वाहन सुख सुविधा इसको सब संपन्न हो जाता है। 22 वर्ष तक यह व्यक्ति 22 से 23 वर्ष तक पर्यंत सुखीन रहेगा, लेकिन 22 से 23 वर्ष के बाद वह अच्छा खासा जीवन जिएगा, उसके जीवन में वाहन सुख सब कुछ संपन्नता मिलेगी, और ऐसा व्यक्ति सामान्य मात्र सुखी होता है, माता का सुख उसको सामान्य ही मिलता है। दशम में सूर्य बैठे हों
और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे आपको तत्काल भी फलादेश नहीं करना है। ग्रहों की स्थितियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब तक आप ग्रहों की स्थितियों का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपका फलादेश सही नहीं होगा। बस मैं आपको यहाँ का एक तर्क दे रहा हूँ। बस यदि सूर्य 11वें भाव में बैठे हों, माफ कीजिएगा, सूर्य यदि 11वें भाव में बैठे हो तो यहाँ से इनकी जो पूर्ण दृष्टि आएगी पंचम भाव पर आएगी। जब सूर्य की 7वीं दृष्टि पूर्ण पंचम भाव पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति का जो प्रथम संतान, ऐसा व्यक्ति होता है प्रथम संतान नाशक होता है। पहली संतान हो सकता है कि गर्भावस्था में हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा शास्त्रों में ज्योतिष के वर्णन में ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति प्रथम संतान नाशक होता है। पुत्र के लिए विशेष चिंतित होता है, पुत्र के प्रति उसका अगाध प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा पुत्र के लिए चिंतित रहता है। मंत्र शास्त्र ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, मंत्र शास्त्रज्ञ होता है, मंत्रों का ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा अपना रुतबा रखता है, समाज में बहुत अच्छा अपना नाम रखता है। ऐसा व्यक्ति सेवा वृत्ति होता है। ऐसा अगर मैं बात करूं तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य की दृष्टि 5वें भाव पर हो, ऐसे व्यक्ति को पुत्र की संतान उसे 20 से 21 वर्ष पर ही मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख, जब उसकी उम्र 20 से 21 वर्ष होती है, इस व्यक्ति को पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रूपी संतान की प्राप्ति होती है। और बस इसमें से विशेष ध्यान रखें, प्रथम संतान नाशक होता है। प्रथम संतान नाशक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि मिसकैरेज हो जाना या कोई अन्य इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं। तो जो छोटा छोटा फलादेश है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके आगे आप चलते हैं।